नमस्कार, मैं मेघुरशि आपका अपना साथी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सदियों से चला आ रहा मुहर्रम का एक पर्व शिया और सुन्नी समुदाय के दोनों लोग ही मनाते हैं, पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए जैसे महामारी हमारे देश में आई, हर तरह का पर्व, हर तरह की चीज़ों को सरकार के रोक लगा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव केस बढ़ते चले जा रहे हैं, आज की संख्या लखनऊ की इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस पे काबू पाना इतना आसान नहीं है। लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। आज इसी वजह से इतना बड़ा पर्व होता था, दोनों समुदाय के लोग इसको बड़े ही जोशो खरोश के साथ, अकीदत के साथ इसको मनाते थे। जहाँ पे सिया लोग मजलिसें करते थे, मातम करते थे, रोटों पे जुलूस निकलते थे, वहीं सुन्नी समुदाय के लोग भी ताजेदारी करते थे। ये वो महानगर का करबला है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ताजियादारी होती थी, यहाँ पे ठंडी दफनाई जिसको कहा जाता है होती रहती थी। आज इस समय का वक्त यहाँ पे पार रखने की जगह नहीं होती थी। ये कोविड-19 महामारी हमारे देश में जब से आई, आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी तरीके से लोग सरकार का नियमों का पालन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के बाद जब रोक का आदेश आए तो सिया धर्म गुरु कलवे जवाद साहब ने जनता से अपील की कि लोग अपने घरों में ताजिए रखें, इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है। आज उसी को अकीदत देखते हुए यहाँ पे जनता जो ताजियादार थे, सुन्नी अकीदत के लोग हों या सिया समुदाय के लोग हों, दोनों समुदाय में इतना अच्छा समझौता हुआ है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पे उसकी नजर पड़ी हुई है, कहीं से कोई भी हरकत ना हो, और जनता भी पूरा सहयोग कर रही है इस बात का, कहीं से कोई जुलूस, कोई ताजियादार, कोई भी लोग नहीं आ रहे हैं, अपने घरों में रखे हुए हैं, और कोई ना कोई इसका रास्ता निकलेगा, ये उनको अपने आप पे भरोसा है। कल विसर्जन भी होने वाला है और उसको भी इन्होंने रोक लगता है। ये कोई एक ही समुदाय के लिए नहीं है, ये बीमारी है, इसलिए सरकार सभी को इसके लिए रोक लगा रही है। अभी आगे आपको हम और दिखाएंगे चीजें कि किस तरीके से यहाँ पे वो चहलकदमी होती थी कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, इतनी भीड़ होती थी, इतनी ताजी आती थी जो सैकड़ों की तादाद से थी, न जाने ये कितने सदियों से चली आ रही है, बहुत सदी हो गए इसको चलते हुए, पर आज इस महामारी ने यहाँ सब कुछ ठंडा कर रखा है। यहाँ पे एक भी लोग नहीं है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हो रही है, रोड पे आवागमन सिर्फ इमरजेंसी जिसको है वही निकल रहा है, बाकी कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लखनऊ स्थित जो करबला भी हम आपको दिखा रहे थे, करबला आपके बादशाह नगर में है, यही रोड है वो जिस रोड पे आज के दिन पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे ताजियादार, अकीदतमंद सुन्नी समुदाय के लोग यहाँ पे आते थे, अपनी ताजिया को ठंडी करते थे, आलम लेके आते थे, ढोल ताकों के साथ आते थे, यहाँ मेला लगता था, बहुत सा गुलजार हुआ करता था यहाँ का माहौल। आज यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ, सिर्फ ये कोविड-19 महामारी जब से हमारे देश में आई है, पूरी तरीके से हर चीज को क्षतिग्रस्त करती हुई ये बीमारी आखिर कब तक रहेगी, अब ये तो वही बात बताने वाली होगी जब तक वैक्सीन इसकी तैयार नहीं हो जाती है। सरकार जिस तरह से आदेश करी था, कोर्ट के आदेश के बाद लोगों ने फैसला लिया और उस फैसले में सबका समर्थन रहा, चाहे वो सिया धर्म के लोग हों, चाहे सुन्नी समुदाय के लोग हों, सभी लोगों ने अपनी ताजियाएं जैसे रखी थी अपने घरों में रख रखी हैं आज तक के, अभी उनको कोई इजाजत नहीं मिली है, कोई सरकार से रास्ता नहीं साफ किया कि इसको कहाँ दफनानी है, कहाँ ठंडी करनी है। उसी दूसरी जगह पे सिया समुदाय के लोग थे जिनको अभी तक कोई भी ना उनका जुलूस निकला, ना कोई मातम हुआ है, अभी ये सिलसिला चहलम तक चलता रहेगा, आगे जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे। पल पल की खबर, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मेघुरशि, कैमरामैन सरताज के साथ, लखनऊ।